हिमाचल प्रदेश में चोमासु फरी पायमाल करशे। 10 जिल्ला में 3 दिवस सुधी चेतवनी अपाई। 21-23 ऑगस्ट सुधी भारी वरसाद की आगाही। शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन में अलग अलग जगह आगाही ने वरसाद की आगाही है व्यक्त करवामां आवी छे। हिमाचल में पीवाना पानी वीजळी की समस्या सर्जाई शके छे। खास करीने कांगड़ा, चंबा, शिमला में अचानक पूर की संभावना छे। अविरत वरसाद ने कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थयुं। हिमाचल में भारी वरसाद बाद आवेला पूर ने कारण हजू पण 600 वधु रस्ताओ बंद, तेमज अत्यार सुधी में 330 लोकोना जीव पण गया छे। भारी वरसाद ने कारण राज्य ने 7,000 करोड़ नुं नुकसान। देश में 5 महीना में पूर और वीजळी थी 2,038 मौत। बिहार में सौथी वधु 518, हिमाचल में 330 मौत, गुजरात में 165, मध्यप्रदेश में 138 मौत, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 107 लोकोना मौत। देश में 2,100 मौत में 892 मौत पूर में तनाव थी थे। 506 मौत वीजळी पड़वा थी, जयर 186 भूस्खलन थी थया। वरसाद पूर में 101 लोग लापता थे, 1,584 इजाग्रस्त। एप्रिल थी ऑगस्ट सुधी 335 जिला में वरसादी दुर्घटनाओ। हजू पण पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में पूर की स्थिति। उत्तराखंड में भूस्खलन थता 12 मकानों धराशाय। उत्तराखंड में 80 लोग बेघर बन्या। गामडाओ में वीजळी कूल। केन्द्रीय गृहमंत्री आप्यो वरसाद थी नुकसानी नो डेटा। शिमला में सतत 6 दिवसे रेस्क्यू ऑपरेशन। अत्यार सुधी 16 मृतदेह बहार कढ़ाया। कुल 21 लोग काट में नीचे दटाया था। समर हिल में शिव मंदिर थयु हतु धराशाय। सोमवारे बनेली दुर्घटना में हजू पण अनेक लोग दटायेला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी की टीम कार्यरत। हिमाचल प्रदेश में वरसाद कहर। शिमला समर हिल विस्तार में भूस्खलन। नीचाणवाला विस्तार रहवासियों ने सुरक्षित स्थले खसेड़वामां आव्या। शिमला में भूस्खलन थी अनेक रस्ता बंद। राजधानी दिल्ली सहित समग्र एनसीआर में आज सवारथी गाजवीज साथ वरसाद की शुरुआत। दिल्ली और नोएडा मोटाभागना विस्तारों में वहली सवारथी वरसाद, अनेक विस्तारों में पानी भराया। शुक्रवार दिल्ली में ऑगस्ट सौथी गरम दिवस नोधायो हतो। उकळाट और बफारा बाद वरसाद पड़ता दिल्लीवासियों ने गर्मी की राहत मिली। हवामान विभागे जणाव्युं हतुं कि राजधानी में आगामी 18-21 ऑगस्ट दरमियान हलवा वरसाद की संभावना। हरियाणा गुरुग्राम में वरसादी आफत। भारी वरसाद बाद भराया पानी। मुख्य रस्ताओ पर कमरसमा पानी भराया। वाहन चालकों राहदारी परेशान। वरसाद ने लईने हवामान विभाग की आगाही। आज थी राज्य में वर्तशे वरसाद जोर। आवतीकाले समग्र गुजरात में वरसाद की आगाही। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय थता वरसाद की शक्यता। आगामी 7 दिवस राज्य में वरसादी माहौल रहेशे। उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में वरसाद की आगाही। सौराष्ट्र और कच्छ में मध्यम वरसाद रहेशे। रविवार वलसाड, नवसारी, डांग, नर्मदा में भारे वरसाद की शक्यता। अमदावाद, गांधीनगर, दाहोद, पंचमहाल में वरसाद की आगाही। गीर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट में वरसाद की शक्यता। राज्य में अत्यार सुधी 94% वरसाद नोंधायो। अमदावाद शहर में रोगचाळो वकळ्यो। पाणीजन्य और मच्छरजन्य रोगचाळाना केस वध्या। सिविल होस्पिटल ओपीडी में दर्दीओनो धसारो। अमदावाद सिविल में ओपीडी में रोजना 2500 वधु दर्दीओ। सिविल में छेल्ला 18 दिवस में डेंग्यू 82 केस नोंधाया। सादे मलेरिया 19, झाड़ा उल्टी 100 केस। वडोदरा शहर में वकरियो रोगचाळो। एक मास में डेंग्यू 73 केस नोंधाया। चिकनगुनिया 31, मलेरिया 14 केस, कमळा 11, टाइफोइड 42, कॉलेरा 4 केस। राजकोट जिला में वकरियो रोगचाळो। एक मास में डेंग्यू 4 केस नोंधाया। मच्छरजन्य रोगचाळा में चिंताजनक वधारो। ताव, शरदी, उधरस, झाड़ा उल्टी केस वकर्या। शहरी विस्तार में फॉगिंग प्रक्रिया हाथ धरवामां आवी। सरकारी और खानगी दवाखानामां दर्दीओथी अत्यारे लाइनो लागी लई छे। जामनगर में पण रोगचाळो फाटी निकळ्यो। मलेरिया, डेंग्यू और चिकनगुनियाना केस में सतत वधारो। जीजी होस्पिटल में रोजनी 500 जेटली ओपीडी, तो एक महीना में 1,000 थी वधु लोकोने दाखल करवामां आव्या। डेंग्यूना 22, ज्यारे मलेरियाना 41 केस।
राज्य में चौमासा ने लई रोगचाळो वकर्यो। भावनगर में एक मास में डेंग्यू ना 5 केस, कमळाना 3, टाइफोइड ना 22 केस, भावनगर में कोलेरा नो 1 पण केस नथी। मच्छरजन्य रोगचाळा में चिंताजनक वधारो। केशोद में नगरपालिका में फायर कर्मचारी भर्ती कौभांड सामे आव्यो। वोर्ड नंबर 6 ना सदस्य पुत्र ने फायर वायरलेस ऑफिसर तरीके भर्ती करवा आचर्यो हतो। कौभांड हरिन चोवटिया पुत्र की भर्ती समय पसंदगी समिति चेरमेन हता। बिल्डर चिरागभाई सुत्रेचाए नोंधावी फरियाद। वलसाड जिला में जीएसटी विभाग सर्च ऑपरेशन। जीएसटी विभाग की अलग अलग टीमें तपास हाथ धरी। टोबेको होलसेल वेपारी की दुकान में सर्च ऑपरेशन। जीएसटी बिलों सहित तमाम सामान की तपास। सूरतवासियों ने मोंघवारी वच्चे एसएमसी नो बोझ। सिटी बस ना भाड़ा में 1-5 रुपयानो वधारो। मिनिमम भाड़ो 4-5, महत्तम 25। डिजिटल पेमेंट करना ने भाड़ा वधारानी असर नहीं थाय। सूरत में सिटी बस ना भाड़ा में 9 वर्ष में पहलो वधारो। दांतीवाड़ा भाखर गामना डूंगरो तोड़वा फाड़वामां आवी लीज। डूंगरोनो खात्मो थवानो शुरू थता ग्रामजनों में रोष। स्थानिकोए लीज मालिकीनी कामगीरी अटकावी। स्थानिकोए दांतीवाड़ा मामलतदार ने आवेदनपत्र पाठव्यो। डूंगर बचाव अभियान ने लई भाखर गामना स्थानिकोनी महासभा मळशे। सूरत में वियरकम कोजवे खुल्लो मुकायो। छेल्ला 50 दिवस बंद हतो कोजवे। सिंगलपुर अने रांदेर ने जोड़तो कोजवे खुल्लो मुकवामां आव्यो। तापी नदी में पानी की आवक वधता बंद करवामां आव्यो हतो। गीर सोमनाथ मटाणा गामे 4 दिवस में 3जो दीपड़ो पांजरे पुरायो। 2 बाळको अने 1 वृद्धनो जीव लेनार दीपड़ा ने 8 पांजरा गोठवी वन विभागे पकड़ो। गीर सोमनाथ सूत्रापाड़ा में दीपड़ा आतंक ने लई धारासभ्य भगवान बारड़ वन मंत्री ने पत्र। मन मृत्यु में सरकार द्वारा अपात वर्तर अपूरतु। साथ जो वन्य प्राणी हुमला करे अटकवा टेक्नोलॉजी उपयोग करने मांग कराई। राजकोट में 35 जेटला वकीलों साथ ऑनलाइन ठगाई। रेवन्यू प्रेक्टिस करता वकीलों साथ ऑनलाइन छेतरपिंडी आचरवामां आवी। 20 दिवस में वकीलों खाता में 10,000 जेटली रकम ने उठांतरी। वकीलों आईडी कार्ड द्वारा शख्सोए ठगाई करी। बनासकांठा में रखड़ता ढोर नो आतंक यथावत। पालनपुर में आखलाई अड़फेटे लेता आधेड़ नु मौत। मलाणा गामे 7 दिवस पहला बनी थी घटना। इजाग्रस्त आधेड़ नु सारवार दरमियान मौत। पाटण डीसा हाईवे पर एसटी बस की जोखमी मुसाफरी। एसटी बस की जोखमी मुसाफरी नो वीडियो वायरल। बस में कैपेसिटी करता बमणा मुसाफरो भराया। बस में 130 जेटला मुसाफरो भरया नी कंडक्टर की कबूलात। वायरल वीडियो नी संदेश न्यूज पुष्टि नहीं करतो। जूनागढ़ केशोद में जोखमी मुसाफरी करता बाळकोनो वीडियो वायरल। खानगी वाहन चालको बाळकोने लटकती हालत में मुसाफरी करावता जोवा मळ्या। जोखमी मुसाफरी करावता वाहनों अंगे पोलीस कार्यवाही करशे के केम। जूनागढ़ जिला में जेल कर्मचारी पर कैदी हुमलो। बैरेक में जवानो कहता कैदी उश्केरायो। उश्केरायेला कैदीए जेल कर्मचारी पर हुमलो कर्यो। हुमलो कैदी सामे फरियाद नोंधवामां आवी। हुमलो करनार कैदी सामे फरियाद दाखल कराई। छोटाउदेपुर में बुटलेगरो बेफाम। पुलिस पर गाड़ी चलावी देवानो प्रयास। पुलिस गाड़ी रोकवा 3 राउंड फायरिंग कर्यो। बुटलेगर गाड़ी में दारू भरी ने जता हता। गाड़ी में सवार 3 व्यक्तिओ ने पुलिस झड़पी पाड्या। चंद्रयान 3 हवे चंद्रथी मात्र एक ज डगलो दूर। इसरो नी गणतरीओ मुजब लैंडर विक्रम नु चंद्रनी धरती पर उतरवानु काउंटडाउन शुरू थयो। चंद्रयान लैंडर डिबूस्टिंग की पहली प्रक्रिया सफल रही। हवे लैंडर विक्रम चंद्र थी मात्र 103 किलोमीटर अंतरे छे। लैंडर मॉड्यूल धार्या प्रमाण आगे वधी रहू छे। लैंडर पर लागेला कैमेराए चंद्रनी तस्वीरो पण मोकली। बीजू डिबूस्टिंग आजे रात्रे 2 वागे थशे। बीजू डिबूस्टिंग करीने लैंडर नी स्पीड हजू पण घटाडाशे। बीजा डिबूस्टिंग बाद चंद्रनुं अंतर घटीने 30 किलोमीटर थशे। त्यारबाद 23 ऑगस्टे चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग थशे। चंद्रना दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारनार भारत प्रथम देश बनशे। सॉफ्ट लैंडिंग बाद 6 पैडावाळुं रोवर प्रज्ञान विक्रममांथी बहार निकळशे। रोवर एक चंद्र दिवस एटले के पृथ्वीना 14 दिवस सुधी प्रयोग करशे।
प्रधानमंत्री मोदी 22 मे दक्षिण आफ्रिका प्रवासे राष्ट्रपति माटामेला सिरिल रामाफोसा आमंत्रण पर 15 मा ब्रिक्स समिट में भाग लेशे। प्रवास दरमियान चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ थई शके छे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 થી 24 ઓગસ્ટ दरमियान दक्षिण आफ्रिका जोहान्सबर्ग में रहेशे। आ साथ ज 25 ઓગસ્ટે તેમની 4 દિવસ विदेश यात्रा पर ग्रीस जवा रवाना थशे। जम्मू काश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा में परत फरती वक्त बिहार तीर्थयात्री मौत। आ तीर्थयात्री कालीमाता पास 300 फूट ऊंडी खाई में लपसी ने नीचे पड़ गया था। रेस्क्यू टीम और आर्मी द्वारा खाई में बहार काढ़ी लेवाया, परंतु बाद में तेनु मौत थी गयु। अमेरिका इजरायल और डेनमार्क में कोरोना नव वेरियंट मिली आयो। आ वेरियंट नाम BA.2.86 है। अमेरिका की एजेंसी CDCA तेना विषे माहिती आपी। पाकिस्तानी मूळना स्कॉटलैंडना प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ पर भारतीय लोकोए लगाव्यो आरोप। यूसुफ पर लघुमतीओना हितोनी अवगणना करवानो आरोप। भारतीय लोकोनुं कहेवुं छे के हमजा यूसुफ हिंदू अने मुस्लिम समुदाय वच्चे अंतर वधारी रह्या छे। आ कारणे प्रथम मंत्री तरीके हमजा यूसुफनी एप्रूवल रेटिंग में 11% घटाडो। पाकिस्तान ने दुनिया सामे नमतू जोखवानो वारो आव्यो। पाकिस्तान ना कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बासे कह्यु, पाकिस्तान बधा साथे मित्रता करवा इच्छे छे, कोईनी साथे दुश्मनी नथी इच्छतो, परंतु पठाणकोट एरबेस पर थयेला हुमला बाद भारत साथे कायमी कड़वास पेशी गई। पाकिस्तानना पूर्व वडाप्रधान इमरान खान नी बेगम बुशरा बीबी तेमना पति ना मृत्यु नो भय। एटॉक जेल में पोतानी सलामती अंगे चिंता व्यक्त करता बुशराए कह्यू, इमरान खान ने जेल में जहर आपी शकाय छे। बेगम बुशराए इमरान ने अदियाला जेल में ट्रांसफर करवानी मांग करी छे, जेने लईने तेमणे पंजाबना गृह सचिव ने पत्र लख्यो। एलन मस्के रिपब्लिकन प्रमुख पद माटे उम्मेदवारी नोंधावता विवेक रामास्वामी नी प्रशंसा करी अने तेमने आशाजनक उम्मेदवार गणाव्या। मस्के कह्यू के ते खूब ज आशास्पद उम्मेदवार छे। 38 वर्षना रामास्वामी राष्ट्रपति पदना सौथी युवा उम्मेदवार। बेलारूसना राष्ट्रपतिए हुमला अंगे कह्यू, जो नाटो देशमांथी कोई पण अमने उश्केरवानो प्रयास करशे तो अमे पूरी ताकतथी जवाब आपीशुं। जरूर पड़े न्यूक्लियर वेपनो पण उपयोग करवामां आवशे। अमे राह जोईशुं नहीं के टाळीशुं पण नहीं। हुमलो थता ज अमे तमाम शस्त्रोनो उपयोग करीशुं। रिजर्व बैंके तमाम बैंकों माटे जाहिर करी गाइडलाइन्स। होम लोन ना व्याजदर में फेरफार की जानकारी ग्राहकों ने आपवी पड़शे। व्याजदर वधता ईएमआई वधशे के लोनो समयगाळो ते जणावानुं रहेशे। बैंकोए ग्राहक ने फिक्स रेट में ट्रांसफर नो विकल्प आपवो पड़शे। बैंको ग्राहक ने गमे त्यारे लोन भरवानी पण सगवड़ आपे। गदर 2 रिलीज थई तेना एक ज अठवाडियामां धूम मचावी फिल्मनो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन। शुक्रवारे फिल्मनो कलेक्शन 19.5 કરોડ रूपया। फिल्मनी कुल कमाणी 304.13 કરોડ रूपया थई। आ साथे ज गदर 2 पहला ज अठवाडियामां सौथी वधु कलेक्शन बाबते बीजी सौथी मोटी हिंदी फिल्म बनी। गदर 2 नी भव्य सफलता बाद अमीषा पटेले एक वातनो खुलासो करता कह्यु के मने चलते चलते तेरे नाम અને મુન્નાભાઈ MBBS જેવી અનેક ફિલ્મોની ઓફર મળી, પરંતુ વ્યસ્ત શેડ્યુલ અને કેટલાક અંગત કારણોસર મેં આ ફિલ્મોની ઓફર નકારી કાઢી। સની દેઓલની ફિલ્મ ગદર 2 બોક્સ ઓફિસ પર ધૂમ મચાવી ત્યારે સની દેઓલના ફેન રહેલા પિતાની આખરી ઈચ્છા પૂરી કરવા એક વ્યક્તિએ આ ફિલ્મના આખા ગીતને વિનામૂલ્યે બતાવી છે। આખા ગામને આ ફિલ્મ બતાવી હતી એ પણ વિનામૂલ્યે। ઉજ્જૈનના બકાનિયા ગામના લોકો 40થી વધુ ટ્રેક્ટરમાં બેસી ગદર 2 જોવા સિનેમા હોલ પહોંચ્યા હતા। અગર DJ પર ગદર 2ના ગીતો વગાડવામાં આવ્યા। રામાનંદ સાગરની રામાયણ સિરિયલમાં રામનું પાત્ર ભજવનાર અભિનેતા અરુણ ગોવિલ ઓ માય ગોડ 2ના ફિલ્મ જોવા પહોંચ્યા હતા। અરુણ ગોવિલે ઓ માય ગોડ 2 વિશે વાત કરતા કહ્યું, આ ફિલ્મ સેક્સ એજ્યુકેશનના કન્સેપ્ટ અને તેમના પાત્ર વિશે હતી। ફિલ્મનો ઉદ્દેશ વિવાદ ઉભો કરીને પૈસા કમાવાનો નહોતો, આ ફિલ્મ લોકોને જાગૃત કરવા માટે છે। અક્ષય કુમારની ઓ માય ગોડ 2 રિલીઝ ન થઈ હોત તો ગદર 2 એ હજુ વધુ કમાણી કરી હોત, રેકોર્ડ બનાવ્યો હોત તેવી ટિપ્પણી કરવા બદલ ગદર 2ના નિર્માતાએ માફી માંગી છે। અનિલ શર્માએ ટેકનિકલ ભૂલનું બહાનું કાઢી માફી માંગી, કહ્યું અક્ષય કુમાર માટે હંમેશા પ્રેમ અને સન્માન રહ્યું છે, ઇન્ડસ્ટ્રી જીતી ગઈ છે।
ट्रिपलआरना सर्जक राजा मौलीए आमिर ने एक्टिंग विषय अभिप्राय आप्यो। राजा मौलीए आमिर ने एक्टिंग विषय बात करता कहूं लालसी चड्डा में आमिरे ओवर एक्टिंग करी हती। आ फिल्म ने निष्फळता बाद आमिर खाने एक्टिंग में ब्रेक लीधो। आमिर ने आ बहु महत्वाकांक्षी फिल्म टिकट बारी पर फ्लॉप गई।